السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. दोस्तों, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप कामयाबी और कामरानी के बामे उरूज पर पहुंचना चाहते हैं? क्या आपके दिल में भी तरक्की करने का जज्बा अंगड़ाई लेता है? अगर ऐसी बात है तो आप हिम्मत बुलंद रखिए। आप अपने ख्वाबों को अपने दिल में सजाइए और अपने मकसद में मुनहमिक हो जाइए। अगर खुदा ना खास्ता आपने कामयाबी की कोशिश की और आपको नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोशिश पर कोशिश करते रहिए। हिम्मत कभी ना हारिए। गलती और कोताही को, जिल्लत और सुबकी को, पसमानदगी, तखल्लुफ और मायूसी का जरिया ना बनाइए, बल्कि इसको तरक्की की आखिरी मंजिल तक पहुंचने का जरिया बना लीजिए। मुबारक है ऐसी गलती कि जो इंसान को इस्लाह पर आमादा कर दे। मुबारक है वो नाकामी जो बड़ी कामयाबी का सबब बन जाए। बस शर्त है कोशिश, शर्त है हिम्मत की बुलंदी। मैं आपके सामने तीन मिसालें पेश करूंगा हमारे उलमाए किराम की, जिन्होंने गलती को, कोताही को और नाकामी को तरक्की में और कामयाबी में तब्दील कर लिया। एक मिसाल है इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह अलैह की। वो मिस्र के तहा करिये में पैदा हुए। उनका खानदान इल्मी खानदान था। उनके मामू इमाम मुजनी रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द हैं और उनके इल्म के रावी हैं। ये उनसे इल्म हासिल करते थे। एक मर्तबा इमाम मुजनी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मसले की तशरीह फरमाई, ये उसको समझ नहीं सके। इमाम मुजनी रहमतुल्लाह अलैह ने झुंझला कर फरमाया, والله لا يجيء منك شيء، अल्लाह की कसम तुमसे कोई खैर वजूद में नहीं आएगी, तुम कोई इल्म की खिदमत अंजाम नहीं दे सकोगे। जो तालिब इल्म ऐसा कुंद ज़हन है जिसकी समझ इतनी नाकिस है कि वो एक मसले को हज़म नहीं कर पा रहा और जिसके उस्ताद उसको आर दिला रहे हैं, उसको शर्मिंदा कर रहे हैं। तारीख ने देखा कि जब उसने तहिया किया, उसने अज़्म किया, हिम्मत बुलंद रखी, तो वो तरक्की की किस मंजिल पर पहुंच गया कि दुनिया ने उसकी इमामत का लोहा माना, उसको मुहद्दिस और फकीह की सनद दी।
उन्होंने शरह मानी आसार और अकीदत तहावीया जैसी किताबें यादगार छोड़ी हैं जिनसे कोई आलिम मुस्तगनी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने मामों के हलकाए दर्स को छोड़ दिया और दूसरे उस्ताद के सामने जानुए तलम्मुज़ दे किया, अबू जाफर इब्न अबी इमरान अल हनफी, और उनसे हनफियत के मसलक के मुताबिक इल्म हासिल किया और अपने मैदान के इमाम बनकर दुनिया के सामने रोनुमा हुए। वो फरमाया करते थे कि अगर मेरे मामू जिंदा होते तो अपनी कसम का कफ़ारा अदा करते। तो उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह की कसम तुमसे कोई खैर वजूद में नहीं आएगी, तुम इल्म हासिल नहीं कर सकोगे और इल्म में कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकोगे। वो इस कसम का कफ़ारा अदा करते। दूसरी मिसाल इमाम नह सिबावे रहमतुल्लाह अलैह, यह हम्माद इबन सलामा मशहूर मुहद्दिस के मुस्तमली थे। जो वो इमला कराते थे ये उसको बुलंद आवाज से लोगों तक पहुंचाते थे। एक मरतबा हम्माद ने कहा इबारत के दौरान, लैसा अबद्दरदा, इन्होंने उसका इमला लैसा अबुद्दरदा कराया और समझे कि शायद हम्माद से गलती हुई है और ये अबुद्दरदा लैसा का इस्म है जो मरफू होना चाहिए। हम्माद ने फरमाया, नहीं, इसको मंसूब पढ़ो, तुम समझ रहे हो कि ये लैसा का इस्म है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि लैसा यहाँ हर्फ इस्तिस्ना है और ये मुस्तस्ना है जो मंसूब होगा। इमाम सिबावे शर्मिंदा हुए और उन्होंने अज़्म किया, मैं क्यों ना वो इल्म हासिल कर लूँ कि जिसके बाद मुझसे ऐसी गलती सरजद ना हो और ऐसी जिल्लत का सामना ना करना पड़े। आखिर बसरे के उस्ताज़े लुगत और माहिरे फ़न उलूमे अरबियत के इमाम खलील इब्ने अहमद फराहिदी की मजलिस को लाजिम पकड़ा, उनके सामने जानुए तलम्मुस तय किया और फिर खुद इमामत के मनसब पर फाइज हो गए। और दुनिया जानती है कि सिबवह का नाम नहो के मैदान में किस हुज्जत और सनद के साथ जिक्र किया जाता है। उन्होंने वो किताब लिखी कि जो नहो के फन में मशहूर व मारूफ है और जिसका नाम ही अल किताब है, जिसके बारे में उलमा ने फरमाया कि उसकी नज़ीर नहो के फन में मौजूद नहीं। ये नहो का एक अलम बन गया सिबवह का नाम। नहो के मैदान में, नहो के फन में, नहो के कायदे में गलती हुई और उस गलती ने उसी फन की इमामत तक पहुंचा दी। तीसरी मिसाल इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह की, जो इमाम क़िरात भी हैं और इमाम नहो भी, सात कुर्रा में से एक कारी इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह। वो एक मर्तबा उलमा की एक मजलिस में आए, थके हुए थे तेज चलने की वजह से आए, तो उन्होंने फरमाया, अय्यतु, जो अहले इल्म उस मजलिस में थे उन्होंने इनसे कहा कि ये जुमला तुम्हारा गलत है, अगर तुम्हारी मुराद है कि थक गया तो कहो अय्यतु, और अगर तुम्हारी मुराद है कि मैं आजिज हो गया तो कहो आई तू। आई तो बाबे तफ़ईल से इस मौके पर नहीं बोला जाएगा, ये गलत है। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह पर इसका असर पड़ा और उन्होंने फिर इल्म नहो हासिल करने का तहिया फरमा लिया और मुआज़ हर्रा की मजलिस में शरीक हुए
उनके साथ साए की तरह से चिपक गए, उनका पूरा इल्म हासिल कर लिया। उसके बाद बसरे के इमाम खलील इब्ने अहमद फराहिदी का इल्म हासिल किया, वहां उनके हलकाए दर्स में बैठे कि फिर किसी शख्स ने उनसे कहा कि तुमने अरबी का इल्म हासिल करने के लिए खलील की मजलिस का इंतखाब करके अच्छा नहीं किया, तुमने कूफा के कबाइल अरब को छोड़ा, तमीम को और असद को तुम छोड़कर यहाँ आए हो, तुम्हें उन कबाइल से इल्म हासिल करना चाहिए। इन्होंने ने उस्ताद से पूछा कि आपने अरबी का इल्म कहाँ हासिल किया? फरमाया कि नजद व तिहामा और हिजाज के देहातों में जाकर बादियों की खाक छान के मैंने ये इल्म हासिल किया है। इनके दिल में बात लग गई और कहा क्यों ना मैं भी वहीं इल्म हासिल करूं जहां मेरे उस्ताद ने इल्म हासिल किया है, और कूफा आए और वहाँ के कबाइल अरब से इल्म हासिल किया। फिर दोबारा जब बसरा आए तो खलील इब्ने अहमद फराहिदी का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह उनके शागिर्द यूनुस इब्ने हबीब दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे थे। अब इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह भी उस हलके दर्स में शामिल हुए, लेकिन अब उनकी हैसियत बढ़ चुकी थी, उनके सीने में मुआज़ हर्रा का इल्म था, खलील इब्ने अहमद फराहिदी का इल्म था, और कबाइल अरब से जो उन्होंने अरबियत का इल्म पी लिया था वो सब मौजूद था। आखिर यूनुस इब्ने हबीब से मुनाजरे हुए, कई मसाइल में बहस हुई और उन्होंने इनका लोहा माना और आखिर खलील इब्ने अहमद की जगह इनको नायब बनाया। ये है गलती और कोताही और नाकामी को कामयाबी में तब्दील करने की मिसालें। ये चंद मिसालें मुश्त अज़खरवारे यानी ढेर में से एक मुट्ठी मैंने आपके सामने जिक्र की है। जो भी कामयाब हुआ है वो नाकामी से गुजर कर कामयाबी तक पहुंचा है, बार बार तजर्बा करके, इसरार करके, हिम्मत को बुलंद रख कर कामयाबी हासिल की। ला तहसबिल मजद तमरन अंत आकिलुहु लन तबलुगल मजद हत्ता तलअक सबिरा। कामयाबी को कोई हलवा ना समझो कि खा लोगे, बल्कि तुम्हें इसके रास्ते में कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे, तलख चीज़ें गवारा करना पड़ेंगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और हिम्मत की बुलंदी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीही मुहम्मद व अला आलिही व सहबीही व बारक व सल्लम।